एक सवाल बहुत बार मुझसे पूछा गया है कि सर हम एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो क्या हमारे लिए एचआर लॉज को अच्छे से समझना जरूरी है क्या? तो इसका मैं जवाब बड़े इत्मीनान से देने वाला हूं, आप आराम से इसको सुनिए, इसका केवल डायरेक्ट हाँ या ना में जवाब नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो एचआर लॉज हैं, जिनको हम लेबर लॉज के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्लायंस की, वो एचआर हेड की होती है, यानी एचआर मैनेजर की या फंक्शनल हेड बोल लीजिए। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो एचआर लॉज हैं, इनका वो पूरी तरह से कंप्लायंस करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ग्रेचुटी कैलकुलेशन आता है, बोनस आता है और तरह तरह के जो आपके कैलकुलेशंस है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम कंप्लायंस की बात करते हैं तो ओवरऑल कंप्लायंस हमें देखना है, न कि सिर्फ ग्रेचुटी का कैलकुलेशन आता है, पीएफ का कैलकुलेशन आता है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यहां तक सीमित नहीं रहना है। यू शुड बी थरली अवेयर ऑफ दीज न्यू एचआर लॉज। तो एचआर मैनेजर के लिए तो मैं कहूंगा कि उनको तो ये ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सर हम मैनेजर तो नहीं है लेकिन एचआर डिपार्टमेंट में हमको जो प्रोफाइल है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो देखिए, जो बाकी के जो एम्प्लॉइज हैं जो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप एम्बिशियस हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं अपने जॉब में, प्रोफेशन में, तो ऐसे केस में आपको ये ट्रेनिंग कोर्स करना चाहिए, चाहे अभी आपकी जॉब प्रोफाइल एचआर डिपार्टमेंट में कुछ भी हो। अगर आप ये ट्रेनिंग करते हैं तो यू विल गेट मास्टरी ओवर दीज न्यू लेबर लॉज, और जब आपकी मास्टरी हो जाती है तो यू विल बी एबल टू एडवाइज द टॉप मैनेजमेंट, यू विल बी एबल टू कंप्लाई दीज लॉज इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आपके करियर के लिए। एक जरा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं इस कोर्स में तो उसका जो रिटर्न है वो कई गुना, 10 से 100 गुना आपको रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर आप करियर ओरिएंटेड है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, करियर ओरिएंटेड नहीं है, तो आपको इधर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने जॉब में तरक्की चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है जिसमें कि आपको ये ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये लॉ इंप्लीमेंट होंगे, ऐसे तमाम लोग जो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं उनकी डिमांड सडनली बढ़ जाएगी एचआर डिपार्टमेंट में। और रूटीन के जितने भी काम हैं, जो ऑपरेशंस हैं रूटीन के, उनके आप आने वाले समय में देखेंगे कि ज्यादातर ये जो काम है ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होंगे, मशीन्स के थ्रू होंगे, तो आपको अपग्रेड करना बहुत ही जरूरी है। ये टाइम आ गया है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। इसमें एक चीज और देखी जाती है एचआर एम्प्लॉयज के केस में कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, और क्योंकि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें ओवरऑल ट्रेनिंग रहती है, तो वी हैव टू टॉक टू द पर्सन एंड व्हाट आर द करियर ऑब्जेक्टिव शी इज हैविंग और शी इज हैविंग, और उस हिसाब से एक काउंसलिंग होती है, और उसके बाद ही वो डिसाइड आप कर सकते हैं कि हाँ हमें ये कोर्स करना है या नहीं करना है। हम खुद भी आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर काउंसलिंग आप फोन पे कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि ये आपको कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।